इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास सेवन साइंस चैप्टर नंबर वन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का क्वेश्चन आंसर तो क्वेश्चन नंबर वन है वाई डू ऑर्गेनिज्म टेक द फूड तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड का की ज़रूरत आखिर क्यों है तो ऑल लिविंग ऑर्गनिज्म नीड फूड टू तो गेट एनर्जी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड इसलिए ज़रूरत है कि उससे फूड से उसको एनर्जी मिलती है जिससे कि उसका ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़ और फूड से क्या होता है बॉडी का डेवलपमेंट होता है मेंटेनेंस होता है जो भी डैमेज पार्ट है वो रिपेयर होता है क्वेश्चन नंबर टू है डिस्टिंगज बिटवीन द पैरासाइट एंड सेपरोट्रॉफ पैरासाइट ऑफ सेप्रोट्रॉफ का डिफरेंस बिटवीन बताना है तो डिफरेंस बिटवीन पैरासाइट एंड सेप्रोट्रॉफ आर नंबर वन सेपरोट्रॉफ डिराइव न्यूट्रीशन फ्राम द बॉडी पैरासाइट ऑर्गनिज्म डिराइव न्यूट्रीशन फ्राम बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेजम्स तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो होस्ट पैरासाइट होते हैं उससे वो और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो पैरासाइट डिपेंड होते हैं दूसरे प्लांट्स पर और वो होस्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट्स विच डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ और जो प्लांट्स अपने डेड और डीइंग जो भी उन सड़े गले मटेरियल जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उससे अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं लेते हैं तो उन प्लांट्स को क्या कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ एग्जाम्पल जैसे कि कसकटा अमरबेल और मशरूम तो ये कसकटा का अमरबेल का पिक्चर है और यहाँ पर ये मशरूम दिखाया गया है ये सब मशरूम का फो, फोटो है पिक्चर क्वेश्चन नंबर थ्री हाउ डू यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स इन द लीव्स कैसे हम लोग पता करेंगे कि लीफ में स्टार प्रेजेंट होता है टेक टू पॉटेड प्लांट विद द वेजिटेरियट लीव्स फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटन तो दो वेजिटेरियट प्लांट्स लेना है जो कि पॉटेड हो जो कि गमला में लगा हुआ हो जैसे कि मनी प्लांट्स और क्रोटन कीप्स द इन द डार्क रूम फॉर थ्री डेज सो ऑल स्टार्स गेट यूज्ड अप और कुछ उसको तीन दिन के लिए डार्क प्लेस पर रख देना है जैसे जिससे कि उसका जो भी स्टार जो वो स्टोर है उसके लीफ में वो यूज हो जाए पूरा ख़त्म हो जाए नाउ सेलेक्ट द लीफ कवर इट्स पोर्शन विद द ब्लैक स्ट्रिप ऑफ द ब्लैक स्ट्रिप पेपर एंड कीप इन द प्लांट इन द सन लाइट अबाउट सिक्स आवर अब क्या करना है कि उसमें से एक लीफ को सेलेक्ट करना है और उसके बाद उसमें एक ब्लैक स्ट्रिप ऑफ पेपर लगाकर उसको सिक्स आवर के लिए सनलाइट में रख देना है प्लग द लीफ फ्रॉम द एंड मार्क द अनकवर्ड एरिया इन इट ट्रेस ऑन देम शीट ऑफ पेपर और उसमें क्या करना है कि उसके लीफ को फिर निकालना है और उसको अनकवर्ड एरिया जो है उसको देखना है डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट और उस पत्ते को निकाल कर कुछ देर के लिए बॉइलिंग वाटर में कुछ मिनटों के लिए उसमें डाल देना है आफ्टर दिस इमर्ज इन ए बीकर कंटेनिंग एल्कोहल और कुछ जब बॉयलिंग वाटर में से उसको निकाल कर और उसको फिर कंटेनिंग एल्कोहल वैसे बीकर में डालना है जिसमें अल्कोहल हो केयरफुली अबाउट द बीकर इन द वाटर बाथ एंड हीट टिल द एल्कोहल बिगिनस टू बॉयल नाउ डिप द लीव इन द डायल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर ए फ्यू मिनट्स एंड टेक द लीव राइज इन ऑफ द आयोडीन सोल्यूशन और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि जो लीफ है वो राइंस होने लगेगा मतलब कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा और यू हैव ऑब्जर्व डैट प्रिंस ऑफ स्टार्स इन द वेरियस एरिया ऑफ द लीफ विच वॉज अनकवर्ड तो क्वेश्चन नंबर फोर है क्वेश्चन नंबर फोर क्या है गिव एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेटिक्स ऑफ फूड इन द ग्रीन प्लांट्स लीफ आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स द सिंथेटिस ऑफ फूड इन द प्लांट्स ऑकर इन द लीज लीफ क्या है फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट लीफ को कहा जाता है और जो फूड का सिंथेटिस होता है प्लांट में वो लीफ ही में होता है ऑल द रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट मस्ट भी रिच देयर और जितने भी मटेरियल्स होते हैं रिक्वायर्ड फोटो सिंथेटिक्स के लिए जैसे कि वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट उनको वहाँ तक जाना पड़ेगा वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेडेड टू द लीव्स बाई द वेसल्स रन लाइक पाइप थ्रो द स्ट्रक्चर इन द लीव्स तो इस क्वेश्चन में लोग क्या बताता था एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है कि फोटोज प्रोसेस ऑफ़ फ़ोटोज इन द्रीन प्लाट में किस तरह से होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना है तो जो जो आ, चीज़ बुक में बताया गया है वो वो सब हम लोग लिख सकते हैं द लीफ हैव द ग्रीन पिगमेंट लीफ में क्या होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है विच हैव दै कैप्चर ऑफ द एनर्जी ऑफ़ द सन लाइट और जो कि सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करने में मदद करता है द एनर्जी इज यूज टू सिंथेटिक्स और इसी एनर्जी का यूज़ कहाँ पर होता है फूड सिंथेटिक्स में होता है क्वेश्चन नंबर फाइव है शो विद द हेल्प ऑफ स्केच द प्लांट्स यूज अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड एक स्केच बनाना है और उससे बताना है कि जो प्लांट हैं वहीं अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है मतलब कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं तो ये बताना है ऑल लिविंग बॉडी ऑल लिविंग बिंग्स डिपेंड ऑन द प्लांट वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स प्लांट ईटर एनिमल डिपेंड डायरेक्टली ऑन द प्लांट बट कार इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स जैसे कि अगर कोई प्लांट ईटर एनिमल है जैसे कि डियर है तो डियर किस पे दीवार दीवार पर डिपेंड है डियर डिपेंड है प्लांट्स पर डियर डिपेंड है ग्रासेस पर और उसी तरह से कार्नि एनिमल कारनी ओर एनिमल जैसे कि लायन है तो लायन किस पर डिपेंड है लायन डिपेंड है लायन डिपेंड है डियर पे और डियर किस पे डिपेंड डी है ग्रास पे डिपेंड है तो यहाँ से जो लाइन है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे प्लांट ही पे डिपेंड है तो ये एक एक एग्जांपल हो गया प्लांट डिपेंडेंसी का अगला आता है फिलिंग द ब्लैंक्स ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड डैश जो सिंथेटिस देयर ओन फूड ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है जो कि अपना फूड प्रिपेयर करते हैं द फूड सिंथेटिक्स बाई द प्लांट्स इज स्टोर हैज वो किस प्रकार से स्टोर रहता है तो ग्रीन प्लांट्स कॉल ऑटोट्रॉप्स ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है ऑटो मीन्स सेल्फ ऑटोट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट और द फूड सिंथेटिस बाय द प्लांट्स स्टोर इन द जो फूड सिंथेटिस हो जाता है वो प्लांट्स में किस प्रकार से स्टोर रहता है तो स्टार्स के फॉर्म में होता है इन द फोटो सिथेटिस सोलर एनर्जी कैप्चर बाय द पिगमेंट इज कॉल्ड जो जब फोटो सिंथेटिस होता है तो सोलर एनर्जी कौन सा पिग कौन किस पिगमेंट्स के द्वारा कैप्चर किया जाता है तो उस पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल क्लोरोफिल ही है जो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है ड्यूरिंग फोटो सिंथेटिस प्लांट टेकअप एंड रिलीज डैश फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या टेकअप करते हैं तो प्लांट टेकअप करते हैं सी ओ टू और रिलीज क्या करते हैं ओ टू तो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक करते हैं लेते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं ऑक्सीजन उसके बाद ये है जो एक फूड चेन है जो बता रहा है कि जैसे कि लाइन हो गया तो लाइन ईट करेगा डियर को और डियर किस पे डिपेंड है तो ट्रीज़ पे डिपेंड है प्लांट्स पे डिपेंड है उसी तरह से यहाँ पे ग्रासेस है यहाँ पे ग्रास ऊपर है ये फ्रॉग ये स्नैक तो ये सब एनिमल डायरेक्टली जो डियर है जो डियर है वो डायरेक्टली डिपेंड है और जो लायन है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है प्लांट्स पर क्वेश्चन नंबर सेवन नेम द फॉलोइंग ए पैरासाइट विच हैव विथ येल्लो सिलेंडर एंड ट्यूबलर स्ट्रक्चर तो ए पैरासाइट विच है बोथ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ए पैरास ए प्लांट विच हैज़ बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हैट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड तो उस वैसे प्लांट्स को क्या कहते हैं जैसे कि पीचर प्लांट और वेनस फ्लाई ट्रैप ये क्या है तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जिनमें कि बोथ प्रॉपर्टी देखने को मिलता है और येलो लीव्स ए पैरासाइट विथ येलो एंड स्लेंडर एंड ट्यूबुलर स्टेम उस प्लांट का क्या नाम है कस्कटा ठीक है तो कसकटा ही वो प्लांट है जो पैरासिटिक प्लांट है और उसका येलो स्टेम होता है द पोर्स इन विच गैसेज एक्सचेंज वो कौन सा पोर्स है वो कौन से छोटे छोटे छिद्र हैं जो लीफ में प्रेजेंट होते हैं जिनसे कि गैसेज का एक्सचेंज होता है तो उनका नाम है स्टोमेटा टिक द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर एट अमर बेल इन एग्ज़ाम्पल अम अमर बेल किसका एग्जाम्पल है तो अमर बेल अगर देखा जाए तो अमर बेल किसका नाम होता है कस्कटा का ही नाम होता है तो ये किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है तो ए, एट तो ये एग्जाम्पल है पैरासाइट का फीड्स ऑन इंसेक्ट क्वेश्चन नंबर बी द प्लांट विच टैप्स ऑन फीड्स ऑन इंसेक्ट तो मैच द फॉलोइंग रुक जाओ तो क्वेश्चन नंबर एट में अमरबेली एग्जाम्पल अमरबेल किसका एग्जाम्पल है तो अमरबेली एग्जाम्पल है पैरासाइट्स का ठीक है पैरासाइट का एग्जाम्पल है उसके बाद क्या है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट वैसे प्लांट जो फीड्स ऑन इंसेक्ट इंसेक्ट को ईट करते हैं उनको क्या कहा जाता है उनको वैसा कौन सा प्लांट है इसमें तो वो प्लांट है पीचर प्लांट पीचर प्लांट क्या है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट में आता है पीचर प्लांट अगर नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग मैच द फॉलोइंग में क्या है क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल क्या है एक कहाँ पर प्रेजेंट होता है लीफ में प्रेजेंट होता है तो क्लोरोफिल को लीफ के साथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या है नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है बैक्टीरिया अमरबेल क्या है एक पैरासाइट है एनिमल्स क्या होते हैं हाइड्रोट्रॉप्स होते हैं और इंसेक्ट क्या होते हैं इंसेक्ट कौन ईट करता है तो पीचर प्लांट इंसेक्ट करते हैं टिक देख रहे ट्रू और फॉल्स कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग द फोटो सिंथेस तो ये फॉल्स है क्यों फॉल्स है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के फोटो सिंथेस के बाद ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है प्लांट विथ सिंथेटिस देयर फूड देम स्लेप्स इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ तो ये भी फॉल्स है प्लांट्स जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं उनको क्या है? कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है सेप्रोट्रॉप नहीं कहा जाता है द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेटिस इज़ नॉट ए प्रोटीन क्या उनका जो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेटिस का वो प्रोटीन नहीं होता है तो हाँ ये ट्रू है क्योंकि वो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है सोलर एनर्जी इनकन्वर्टेड इंटो केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये भी ट्रू है जो सोलर एनर्जी होता है उसको केमिकल एनर्जी के रूप में प्लांट्स अपने फूड प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान उसके बाद एक लास्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि विच विच ऑफ़ फॉलोइंग प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द लीव्स फॉर द फोटो तो प्लांट विच पार्ट कौन सा वो पार्ट है जो फोटो के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है तो वो कौन सा पार्ट है वो पार्ट है एस्टोमेटा ठीक है एस्टोमेटा वहीं टाइनी पोर्स होता है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इंटर और आउट होता है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर मेनली थ्रू द प्लांट्स अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमोस्फियर से वो मेनली कहाँ से लेते हैं तो वो लेते हैं लीप से तो यहाँ पर हम लोग का एन सी आर टी क्वेश्चन आंसर कम्प्लीट हुआ और इसका पी डी एफ डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा थैंक यू चलो